तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो वॉल्यूम पैनल होता है, जिससे आप वॉल्यूम आप यहाँ डाउन करते हो, उसका जो पैनल होता है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो अपने फ़ोन का। अभी आपका जो आपने जो नया स्मार्टफोन अपना लिया था, जब आप जो फ़ोन यूज कर रहे हो उसमें जो कि जो जो सा पहले से जो था वॉल्यूम पैनल वही अभी भी होगा, और उससे आप मतलब बोर हो गए होंगे उसे देख देख के। तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे चेंज करेंगे, वही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर जो कि आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो कि अपना जो वॉल्यूम पैनल है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे आप देखते हैं मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपने वॉल्यूम पैनल को कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आप देखेंगे इस एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी, इसका नाम है वॉल्यूम पैनल फ्री। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन करोगे तो ये सब सेटिंग जो कि आपकी ऑफ रहेंगी, ये सब बंद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे पहली बार ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि इसे अलाउ कर देना, यहाँ से परमिशन देना पड़ेगा। आपसे परमिशन मांगेगा तो आप इसे परमिशन दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्रेंट परमिशन पर क्लिक करके आप इसे परमिशन दे दीजिएगा, जो कि आप मैं दे देता हूँ वॉल्यूम पैनल फ्री। अब इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, इसे मैंने परमिशन दे दिया। यहाँ से अब मैं बैक आ जाता हूँ, उसके बाद जैसे मैं दूसरा ओपन करता हूँ तो ये सब ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद अभी आप जैसे अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम पैनल आप देखिएगा यहाँ से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर दिया है तो मेरा वॉल्यूम पैनल इस तरफ से निकल रहा है, और जैसे मैं इसे बंद कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर से निकल रहा है, तो ये जो है कि आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप इसे ऑन करोगे तो उसके बाद अगर आप वॉल्यूम पैनल को दबाओगे इसे परमिशन देने के बाद, जो कि आपका इस तरफ से निकलेगा। तो यहाँ से जैसे मैं परमिशन दे देता हूँ इसको दोबारा से, तो यहाँ से जैसे मैं इसे परमिशन देता हूँ, अगर आप जितनी बार इसे डीएक्टिवेट करोगे उतनी बार आपको इसे परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे ऑन कर दिया हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑन है। उसके बाद आप जैसे मैं वॉल्यूम को अप या डाउन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ से जो कि अपने वॉल्यूम पैनल का कलर वगैरह सब कुछ चेंज करते हो, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है जो कि आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक एक सेटिंग को समझाने लगूंगा तो मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि किस तरीके से आप अपने वॉल्यूम पैनल को कैसे चेंज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।